भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएन इंटरनेशनल स्कूल में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा के दौरान रविवार को छात्र छात्राओं ने समय पर प्रश्न पत्र नहीं देने पर जमकर हंगामा किया। दो पालियों में होने वाली सीटीईटी परीक्षा के परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र समय पर नहीं मिला, जिससे छात्र छात्रा आक्रोशित होकर सरकार एवं प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा करने लगे। इसको लेकर छात्र छात्राओं ने बताया कि वे सभी रविवार को सीटीईटी की परीक्षा देने एनएन इंटरनेशनल स्कूल सुल्तानगंज पहुंचे, जहां पहली पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र 9:30 बजे के बदले 10:30 बजे देने के साथ प्रश्न पत्र की सील 10 मिनट के बाद तोड़ने को कहा गया, जबकि दिन के 12 बजे तक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका 11:40 पर ही सभी प्रतिभागियों से ले लिया गया। साथ ही कहा कि एनएन इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा सेंटर मैनेज करने के कारण ऐसा किया गया है, जबकि छात्र छात्राओं ने सेंटर को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि सभी प्रतिभागियों की परीक्षा फिर से ली जाए। इसको लेकर सुल्तानगंज थाना प्रभारी के माध्यम से लिखित आवेदन देकर जिलाधिकारी, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से परीक्षार्थियों ने दोबारा परीक्षा लेने का आग्रह किया है। छात्रों ने कहा कि इस तरह की लापरवाही और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो यह सभी छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। प्रदर्शन के दौरान विकास सक्सेना, विष्णु कुमारी, प्रियंका, सविता समेत सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। क्या चीज का एग्जाम दे देते आप? कहां दे देते? क्या हुआ, क्या समस्या हुई? हम लोग का सबसे पहले तो 9:30 बजे से एग्जाम होने वाला था, वो हुआ नहीं। 10:30 बजे स्टार्ट हुआ, ऊपर से 10 रूम में हमको ले जाया गया और हम कॉपी फाड़े भी नहीं है, कॉपी छीना गया हम लोग से, ओएमआर से छीना गया हम लोग को। अरे हम लोग क्या करें? क्वेश्चन में क्वेश्चन मिला था, कभी बोला गया था कि आप लोग को 2.5 घंटा दिया जाएगा, चाहे क्वेश्चन कभी भी मिले। उसके अनुसार भी हम लोग को क्वेश्चन मिला, जितना देर 2.5 घंटा पहले क्वेश्चन ले लिया गया, और उसके बावजूद भी हम लोग मांगते रह गए, गिड़गिड़ाते रह गए, रिक्वेस्ट करते रह गए, लेकिन नहीं मिला हम लोग को क्वेश्चन। मरवा सर, और हम अभी एनएन इंटरनेशनल स्कूल अफजूगंज में हम परीक्षा दे रहे थे, और इस जैसा कि वहाँ पर धांधली जैसा मतलब कि माहौल उत्पन्न हो गया, और जैसा कि मतलब कि सेंटर मैनेज हो गया था, हम लोगों को मतलब कि अच्छे प्रतिभागी होते हुए भी हम अच्छी प्रतिभा नहीं दिखा पाए, और हुआ मेरे साथ परेशानी किया। एग्ज़ाम घुसने के लिए हम परीक्षा देने के लिए हम सुबह में घर से चले थे, और सुबह एग्जाम देने चले थे, यहाँ पर बहुत पहले चले थे। क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करते हैं? सेंटर पे जो भी प्रतिभागी एग्जाम दे रहे थे उसका क्वेश्चन और ये परीक्षा रद्द कर दिया जाए। सावन माह की 7वीं सोमवारी के दिन बाबा बासुकीनाथ को जलाभिषेक करने के लिए कांवरियों का जत्था रविवार को बरारी और खंजरपुर सीढ़ी घाट से गंगा जल लेकर बोलबम के जयकारे के साथ रवाना हुआ। इसको लेकर सम्राट अशोक सरदार पटेल समन्वय समिति संघ की ओर से रविवार को समाहरणालय स्थित कचहरी चौक पर कांवरिया सेवा शिविर लगाया गया, जहाँ इस मार्ग से जाने वाले कांवरियों के बीच शीतल जल, शरबत और फल का वितरण किया गया। इस दौरान संघ के संस्थापक सदस्य नवीन कुमार चिंटू, सक्षम पटेल, एस के सिन्हा, रितेश राणा, भोला मंडल और शशिशंकर राय समेत कई लोग कांवरियों की सेवा के लिए तत्पर दिखे। वहीं भागलपुर गंगा घाट से बासुकीनाथ धाम समेत अन्य महादेव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं का जत्था शहर के रानी लक्ष्मीबाई चौक, सरदार पटेल चौक, RBSS रोड, भीगनपुर, त्रिमूर्ति चौक, अद्भुत हनुमान मंदिर चौक और शीतला स्थान चौक मिर्जानहाट से गुजरता दिखा, जहां अलग अलग जगहों पर लोग कांवरियों की सेवा के लिए तत्पर दिखे। इधर काफी संख्या में पुरुष और महिला डाक बम कांवरिया गंगा जल लेकर बोलबम और महादेव का जयकारा लगाते हुए बाबा के दरबार जाते दिखे, जबकि इसके अलावा कुछ युवक युवतियों के साथ बालक कांवरिया भी पूरे भक्ति और उमंग के साथ बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। इस दौरान शहर का पूरा कांवरिया मार्ग बोलबम, जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा, जबकि आस्था के सामने किसी को भी इतनी लंबी पैदल यात्रा को लेकर चेहरे पर कोई शिकन भी दिखाई नहीं दे रही थी। बता दें कि सावन के पहले 15 दिनों के बाद एक माह तक अधिक मास पड़ गया था, जिसके समाप्त होने के बाद यह पहली सोमवारी होगी जिसको लेकर जल चढ़ाने के लिए शिव भक्त बाबा धाम के लिए रवाना हो रहे हैं।
भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड परिसर स्थित इंडोर बैडमिंटन हॉल में रविवार को 5 दिवसीय बिहार स्टेट जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया गया। बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन और भागलपुर जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित लीनिंग बिहार स्टेट जूनियर अंडर 17 अंडर 19 बालक बालिका रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन बिहार बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा, मुख्य अतिथि भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे, विशिष्ट अतिथि भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर और जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार ने बैडमिंटन खेल कर किया। इस दौरान खेले गए मैच में वेस्ट चंपारण के चंद्र प्रकाश सिंह ने बेहतर खेल दिखाते हुए पूर्णिया के सागर कुमार को 21-6 के अंतर से पराजित किया, जबकि समस्तीपुर के शिवम कुमार ठाकुर ने भागलपुर के अर्पित शंकर साय को 21-5 21-12, पटना के अक्षर अथर्व ने जहानाबाद के किशु कुमार को 21-5 21-5 और भागलपुर के अभिराज कुमार ने मधेपुरा के रंजन कुमार गुप्ता को 21-17 और 21-13 के अंतर से पराजित कर प्रतियोगिता के अगले चक्र में अपनी जगह बनाई। इसके अलावा रविवार को खेले गए मुकाबले में बिहार के विभिन्न जिलों से पहुंचे बालक बालिका वर्ग के प्रतिभागियों ने अपना जौहर दिखाया और वहां मौजूद दर्शकों एवं खेल प्रेमियों का मनोरंजन किया। टूर्नामेंट के मुख्य रेफरी मिथिलेश कुमार की देखरेख में अलग अलग कोर्ट और मैच के लिए नियुक्त रेफरी और सपोर्ट स्टाफ ने अहम भूमिका निभाई, जबकि उद्घाटन सत्र का मन संचालन राजेश नंदन ने किया। इसको लेकर बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन के इवेंट सेक्रेटरी सब भागलपुर जिला बैडमिंटन संघ के मानद सचिव सत्यजीत सहाय ने बताया कि जूनियर वर्ग के अंडर 17 और अंडर 19 बालक बालिका रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 अगस्त तक आयोजित होगी, जिसमें बिहार के 22 जिलों से 113 बालक बालिका वर्ग के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। सत्यजीत साय ने बताया कि 5 दिवसीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैडमिंटन खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए होगा, जिससे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। साथ ही कहा कि यह प्रतियोगिता बैडमिंटन खिलाड़ी और कोच रह चुके पूर्व जिला खेल पदाधिकारी दिवंगत प्रमोद कुमार यादव को समर्पित है। मौके पर डॉक्टर शाहिद रजा जमाल, डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिन्हा, नमिता सहाय, विनोद कुमार समेत कई एसोसिएशन से जुड़े सदस्य, खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। बिहार राज्य अंडर 17 और 19 का रैंकिंग टूर्नामेंट है बैडमिंटन का, ये जिसकी आज विधिवत उद्घाटन हुई है। उद्घाटनकर्ता के रूप में राजीव कांत मिश्रा, उपाध्यक्ष बाल श्रमिक आयोग और प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधन पांडे जी मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर योगेश कुमार सागर नगर आयुक्त हैं, वो विशिष्ट अतिथि थे। इस टूर्नामेंट में 22 जिले के खिलाड़ी आए हैं, करीब 113 खिलाड़ी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इस टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस के आधार पर बिहार टीम का चयन किया जाएगा जो जूनियर नेशनल्स में पार्टिसिपेट बिहार को प्रतिनिधित्व करेगा। बांका के शंभुगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर पंचायत सोनडीहा गांव में तालाब में डूबकर एक साथ 3 छात्राओं की मौत हो गई। मृतक छात्राओं की पहचान फंटूस यादव की 10 वर्षीय पुत्री सिंपल कुमारी, 6 वर्षीय शिवानी कुमारी और कुंदन यादव की 9 वर्षीय पुत्री राजनंदनी कुमारी के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक छात्रा सिंपल की माँ सुनीता देवी और राजनंदनी की माँ रूपम देवी ने कहा कि खेती किसानी का काम चल रहा है, जिसको लेकर सभी पुरुष महिलाएं घर से बहियार चले गए थे। उन लोगों ने बताया कि घर से दक्षिण बहियार में करीब 100 मीटर की दूरी पर एक तालाब है, जहां विद्यालय में छुट्टी होने के कारण तीनों बच्चियां गांव के अन्य बच्चों के साथ तालाब का मछली देखने बहियार की ओर चली गई और तालाब के सुरक्षा बांध पर खेलने लगी। पीड़ित परिवार ने बताया कि इसी क्रम में शिवानी कुमारी का पैर फिसल गया, जिससे वह तालाब में जा गिरी और शिवानी को तालाब में डूबते देख उसे बचाने के लिए सिंपल और राजनंदनी ने भी छलांग लगा दी। वहीं यह देखने के बाद वहां मौजूद बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बहियार में काम कर रहे किसान दौड़ कर आए और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चियों का शव तालाब से बरामद किया। इस घटना से परिवार के साथ पूरे गांव में भी मातमी सन्नाटा पसर गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर अपर थानाध्यक्ष कुंदन कुमार सहित अंचल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और तीनों बच्चियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया गया। इधर बच्चियों की डूबने से मौत होने की खबर मिलने पर बांका सांसद गिरधारी यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और सांत्वना देने के साथ आपदा विभाग से आर्थिक सहायता राशि दिलाने का भरोसा दिलाया।
सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मार्केटिंग करिए और रिलैक्स होने के लिए सैलून को जरूर यूज करें। स्पेशली ब्राइडल मेकअप के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग आर अंडर देयर प्रोफेशनल्स, सो यू कैन ट्रस्ट। रविवार को भागलपुर के बरारी गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। सावन की सोमवारी और सिंह नक्षत्र के रविवार को लेकर गंगा स्नान करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पहुंचे। वहीं इस दौरान भक्तों ने भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल भरा और पूजन के बाद अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर बढ़े। इधर बरारी गंगा घाट पर आस्था की डुबकी लगाकर काफी संख्या में कांवरिया भी जल भरकर कांवर के साथ पैदल बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। जगदीशपुर से आए हुए हैं, कोला नारायणपुर मेरा गांव का नाम है, सैनो पंचायत से, ठीक है। हम अभी सारे जो हमारे मित्र हैं आए हुए हैं बड़ारी घाट, ठीक है। तो बस यहां से जल हम लोग का सारा पूजा पाठ हो चुका है, यहां से जल ढार के हम लोग निकलने वाले हैं बासुकीनाथ बाबा के दरबार पर। कल हमें सुबह में जल जो है का ये कर देना है, पूजा कर देना है। जी बिल्कुल। तो सोमवार के दिन कितना महत्व हो जाता है बोले? सोमवार के दिन जैसा कि आप लोग हर कोई जानता है कि सोमवार ये हमारा साल में एक बार आता है, सोमवारी का महत्व होता है। हम लोग इसके लिए कई सालों से हर साल प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हमारा सोमवारी कब आए। इस साल आप लोग जान रहे हैं कि सारे श्रद्धालु इस साल खाना पीना सब चीज़ छोड़ देते हैं कि भक्त हमें महाकाल का भक्त हैं, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, मैं आपको सही से विख्यात नहीं कर पा रहा है भोलेनाथ। आस्था बहुत है, आस्था इंतजार करते हैं भोले बाबा कब जल देंगे। हर साल जाते हैं जल लाने की, कुछ ऐसा हो जाए पर भोले बाबा हमें आस्था है, देर से करेंगे पर दुरुस्त करेंगे। भाजपा नेता और महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सुल्तानगंज अजकैबीनाथ के समाज सेवी कृष्ण कुमार सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां भाजपा नेता सह नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, वार्ड पार्षद संजय चौधरी और नवीन कुमार बन्नी ने सांसद का स्वागत बूके और अंगवस्त्र देकर किया। वहीं इस दौरान भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार एवं आपराधिक घटना लगातार हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री विपक्षी एकता के नाम पर देश भ्रमण करने में लगे हैं। सांसद ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार अब चलने वाली नहीं है और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इधर श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा देने के सवाल पर भाजपा सांसद ने कहा कि श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित करना चाहिए और वह इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसकी मांग करेंगे। मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, सबसे पहले तो आते समय ये आभास हो गया है कि सरकार का कोई ध्यान मेला के ऊपर नहीं, क्योंकि रोड की स्थिति है, रोड गड्ढा में परिवर्तित हो गया है और उससे कितने कांवड़िया को आने में दिक्कत हो रहा होगा, कभी भी सरकार ने बैठे उनके नुमाइंदे कभी उसको फील भी नहीं किया, क्योंकि वह तो उससे उनको कोई मतलब भी नहीं, तात्पर्य भी नहीं है। देखिए, कांवड़िया श्रद्धा से आते हैं, उनके अंदर श्रद्धा रखते हैं,
वो सरकार रोड बना दे न बना दे, वो सुविधा दे न दे, उसकी कोई चिंता नहीं करते। लेकिन फिर भी सरकार जब इस पर पहले जो हो रहा था उस तो एकदम पूरा का पूरा हमें लगता है कि सारे पहल को मैंने दरकिनार कर दिया, वो पहल पर ज़्यादा सा भी ध्यान नहीं है। अंदर की बातें क्या है उस पर विशेष मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जो अभी प्रत्यक्ष दिख रहा जो रोड की जो दुर्दशा दिख रही है, हमें लगता है कि वह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, यह नहीं होनी चाहिए।